सब्सक्राइब कीजिए तवा मसाला चैनल और क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पर और पाइए फूड रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तवा मसाला। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ, वो हम सबकी बहुत ही ज्यादा फेवरेट होने वाली है। बच्चों को तो वो रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। तो उसका नाम है चॉकलेट एक्सोटिक। और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हमारी ये रेसिपी फटाफट से प्रिपेयर हो जाएगी। तो सबसे पहले चॉकलेट एक्सोटिक बनाने के लिए हम इंग्रेडिएंट्स देख ले। चॉकलेट सिरप है, कोको पाउडर, शुगर, कॉफी, मिल्क और चॉकलेट चिप्स आइसक्रीम। अब हम प्रोसेस शुरू करेंगे। ये मैंने 200 ml मिल्क लिया है और इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें ठंडा मिल्क लेना पड़ेगा। गरम किया हुआ दूध लेके हम ये रेसिपी बनाएंगे तो उसका स्वाद नहीं आएगा, इसीलिए हमें कोल्ड मिल्क की ज़रूरत पड़ेगी। तो 200 ml मैंने ठंडा मिल्क यूज़ किया है। अब उसके अंदर मैं एक टीस्पून कॉफी पाउडर ऐड करूंगी, एक टीस्पून शुगर ऐड करूंगी, और एक टीस्पून कोको पाउडर लेंगे। अब इसमें एक टेबलस्पून जितना चॉकलेट चिप्स आइसक्रीम ऐड करेंगे। हमने जो आइसक्रीम लिया है उसमें भी शुगर ऐड होती है, तो हमें उसके हिसाब से ही शुगर को ध्यान में रखते हुए ऐड करना है। अब हम हैंड मिक्सी से इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर ले। सब्सक्राइब कीजिए तवा मसाला चैनल और क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पर और पाइए फूड रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। हमने सारी चीजों को हैंड मिक्सी से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम सर्व करेंगे। उसके लिए एक कांच के ग्लास के अंदर इसे डालना है। अब इसके ऊपर हम चॉकलेट चिप्स आइसक्रीम रखेंगे और उसके ऊपर ये चॉकलेट सिरप को इस तरह से स्प्रेड करना है और थोड़ा कोको पाउडर स्प्रिंकल करना है। तो फ्रेंड्स, अब देख सकते हो हमारा चॉकलेट एक्सोटिक अब पूरी तरह से रेडी है। इसे आप जब भी मन चाहे इसे बना सकते हो और ये बनाना बहुत ही इजी है। अभी मैंने एक ही पर्सन के लिए इतना माप लेके बनाया है। अगर आपके घर में ज्यादा लोग हैं तो उसके हिसाब से आपको माप को ज्यादा बढ़ाना है और इसे बनाना है। यहाँ पे मैंने कोल्ड मिल्क यूज किया है, इसीलिए ये कोल्ड चॉकलेट एक्सोटिक है। पर अगर आप ठंडा दूध अरे गरम दूध यहाँ पे इस्तेमाल करते हो तो ये हॉट चॉकलेट एक्सोटिक बन सकता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी रेसिपी है, आप इसे अपने घर में जरूर ट्राई कीजिए और मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए हर रोज ऐसी नई रेसिपी लेके आऊँ और वो रेसिपी आप उसे तुरंत ही देख सके। थैंक यू।